हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अब वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कौन सा इक्वेशन है। ये है लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन? ओके, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं लिखूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्यूबिक इक्वेशन। क्या पता चल रहा है इसमें से? अगर x का पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर, अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे की एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। पहला ये पढ़ लिया, अब दूसरा हमें ये देखना है कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। हमको आना चाहिए फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन कैसे करना चाहिए हमें वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो अब हम फैक्टराइजेशन करते कैसे, क्या करना होता है? पहले तो इसको हम देखते हैं कि ये कौन से इक्वेशन में फिट हो रहा है। एक्स टू द पावर 2 है, मतलब ये कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये किस में होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमें क्या पता चला? ए इक्वल्स टू क्या हुआ? 2। बी इक्वल्स टू क्या हुआ? माइनस 8। एंड सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ें तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में क्या? ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज अ कांस्टेंट। ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट। ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी इज कांस्टेंट। क्लियर? इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या है? 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 8 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 6 इज अ कांस्टेंट। हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये कितना मिल रहा है हमको? 2 इंटू 6 दैट इज 12। अब उस 12 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड फाइनली 3 1 आर 3। क्लियर? ये हो गया फैक्टराइजेशन। मतलब हमें क्या मिल गया? 2 into 2 into 3। अब हमें इन सब का यूज करके हमें क्या बनाना है? बी वाला टर्म बनाना है। और हमारे पास बी है कितना? बी इक्वल्स टू -8। -8 एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, हालांकि बी इक्वल्स टू -8 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बनाना क्या है? -8x बीच वाला टर्म। क्लियर है? तो अब इनका यूज हम कैसे करें? हम अगर 2 into 3 कर लें तो कितना हो जाएगा? 6x, और 2 का 2 रहने देते हैं 2x, तो ये कितना हो गया? 6x और 2x तो 8x होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? -8x। तो हम क्या करेंगे? -2x -6x। क्लियर है? तो चलो 8x की जगह पे हम ये अब पुट कर देते हैं। 8x की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 था। 8x की जगह पे ये पुट करना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा। 2x square minus 2x minus 6x plus 6. हम 8x को ही ऐसा लिखें, क्लियर है? अब जो जो कॉमन निकल रहा है वो फटफट से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, x भी कॉमन निकल रहा है, बस x भी निकाल लो। यहाँ पे x minus 1 बचा और यहाँ पे minus 6 कॉमन निकल रहा है, तो x minus 1 बचा। तो क्या हो गया यहाँ पे? 2x minus 6 और x minus 1। इक्वेट कर दो इसको 0 के, इक्वल्स टू 0। तो हमें x क्या मिल रहा है? 1, 6 अपॉन 2 और एक क्या, दैट इज इक्वल्स टू 3, और एक क्या मिल रहा है? x इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतना? हमें फैक्टराइजेशन करना आ गया है। अब x इक्वल्स टू 1 मिल गया अब हमको। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, ये फैक्टराइजेशन हो गया, हमें पता चल गया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. ठीक है, तो रिलेशनशिप पता करने के लिए क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस, ऐसी इक्वेशन दिया रहेगा आपको. सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो क्या आया हमारे पास, 3, और एक कितना आया है, 1. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा बीटा, कोई सा भी रेंडमली ले सकते हो. ठीक है, और दिस इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है मतलब क्लियर है कि दोनों जीरोस का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, अल्फा एंड बीटा, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मीन्स अ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इतना क्लियर है सबको? अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है वो फॉलो करता है कि नहीं ये रूल. क्लियर है, ये दो फॉर्मूले हमें याद करना है. अब हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, ये है. ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 3 ले लिया, बीटा इक्वल्स टू 1 ले लिया. ए हमारे पास क्या है, 2, बी इक्वल्स टू -8 एंड सी इक्वल्स टू 6. पुट करके देखें कि इक्वल होता है कि नहीं, मेन ये दोनों इक्वल होने चाहिए. क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस देखते हैं कितना होता है, 3 + 1 इक्वल्स टू 4. ये तो अल्फा प्लस बीटा की तरफ से हो गया. अब -b अपॉन a इक्वल्स टू भी 4 होना चाहिए. अब -b क्या हमारे पास, माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 2. माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4. 2 × 1 = 2, 4 = 8. क्लियर है, 4. तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, मतलब दिस इज वेरीफाइड. ओके, अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं. अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा क्या है, 3 × 1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा है ना. अब सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास, 6, और ए क्या है, 2. क्लियर है, 2 × 1 = 2, 3 आ गया 3. दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. हमने अभी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिर्फ दो जीरोस के लिए पढ़ा. ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर 2 हो, x का हाईएस्ट पावर 2 हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारे पास तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं. लेकिन हमारे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन होता है, इट वॉज लाइक दैट, ओके, सी एक्स प्लस डी, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होता है तो हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ये वाले फॉर्मूलाज लेंगे. क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, उसके अकॉर्डिंगली ये कोएफिशिएंट्स. तो आप लोगों को पता ही चल गया है, ए बी सी एंड डी, सारे कंसेप्ट तो क्लियर हैं अपने. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें पता चल गया. अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. इन दोनों को हमें अब वेरीफाई करना है. लेकिन अब इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए हमें बी ए सी ए तो पता है, पता चल जाएगा इक्वेशन से. लेकिन अल्फा बीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन जो हमने पढ़ा है. ओके, चलो फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी, माइनस 8. ओके, अब ये है, फैक्टराइजेशन करते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं, 1. एक्स स्क्वायर के सामने हम 1 कंसिडर करेंगे, मतलब हमारे पास अब क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 8. लेकिन हमको माइनस कंसिडर नहीं करना है जब हम फैक्टराइजेशन के लिए करेंगे, इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इसे 8 कंसिडर करेंगे. क्लियर, तो फैक्टराइजेशन के लिए रेडी. अब हम क्या करते हैं, a इंटू सी इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 ओनली. क्लियर, नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, एंड अगेन 2 × 1 = 2. कितने क्या मिल गया हमको, 2 × 2 × 2. अब इन सबको मिला के हमें क्या बनाना पड़ेगा,
2x बनाना पड़ेगा, माइनस 2x, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 4x और ये 2x, अगर हम प्लस का साइन लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये तो ऐड हो जाएगा और 6x बन जाएगा, नॉट वर्क। अगर हम माइनस साइन लगाते हैं तो हमको ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव 2x, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4x के सामने माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन कैरी करते हैं, क्लियर। तो माइनस 4x प्लस 2x, तो आएगा तो 2x, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस साइन लगेगा, क्योंकि हाईएस्ट कौन है इन दोनों में, ज्यादा बड़ा कौन सा है, 4x बड़ा है। अब हमें मिल तो गया है माइनस 2x को हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस 2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 2x लिखेंगे, ओके। तो फिर से इक्वेशन की तरफ कम बैक करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अब माइनस 2x की जगह पे हमें जो लिखना है वो लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज, ओके। दिस कम्स प्लस 2x माइनस 8, हो गया। अब इसे हम क्या करें, कॉमन निकाल लें जल्दी जल्दी से, x कॉमन निकल गया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन निकला, तो फिर से क्या हो गया, x माइनस 4, बच क्या गया यहाँ पे, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अगर हम इक्वेट कर दे तो x की वैल्यू 1 तो 4 मिलेगी और 1 क्या मिलेगी, माइनस 2। अब हमें इसका कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है, हमें क्या मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2, ओके। ए के हमारे पास 1, बी है माइनस 2 एंड सी है माइनस 8। हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ए क्या है, 1, दैट इज इक्वल्स टू 2। Hence, verify, LHS equals to RHS. अब product of zeros देखें, अगर alpha into beta, 4 into minus 2, that is equals to what? Minus 8, and the coefficient wala C upon A. तो C क्या है मेरे पास, minus 8 upon 1, that is equals to minus 8. Hence, verified, the coefficients and the zeros are equal together. First part तो हो गया हमारा, अब हम यहाँ पे वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़े थोड़े कर लेते हैं सबके। अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं, 4s square minus 4s plus 1, ओके। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसका a b c का वैल्यू लिख लेते हैं, a equals to 4, b equals to minus 4 and c equals to 1, clear। अब अगर हम ये देखें कि ये कैसा फंक्शन है, अभी तक हम x का फंक्शन देख रहे थे ना, अब ये क्या है, s का फंक्शन है, मतलब p of s जो भी अंदर में होता है s के टर्म पे, क्लियर है, ये s के टर्म पे है, तो s का फंक्शन। a b c की वैल्यू पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा एंड बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा बीटा निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करें, अब ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 4 into 1 is 4, इसको फैक्टराइज करो, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो कितना मिला हमको, 2 और 2 मिल गया बस, और उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, 4s में, तो हम क्या लिखेंगे, minus 2s, minus 2s हो गया। अब जल्दी से पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4s square minus 2s minus 2s plus 1, तो क्या यहाँ से कॉमन ले, 2s कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2s minus 1, फिर से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2s माइनस 1, ओके। तो ये क्या हो गया, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 बच गया हमारे पास, इसको इक्वल टू 0 कर दिया अगर हम, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2, मतलब अल्फा कितना हो गया, 1 अपॉन 2, और बीटा भी कितना हो गया हमारे पास, 1 अपॉन 2, क्लियर है। अल्फा बीटा मिल गया, ए बी सी है, अब जल्दी से हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये है फॉर्मूला, चलो इसमें पुट करते हैं, देखते हैं अल्फा कितना है हमारे पास, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस बी कितना हमारे पास, माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन ए कितना हमारे पास, 4। तो एलएचएस आरएचएस करते हैं, ये सपोज एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो वेरीफाई करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 एलसीएम हो गया, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 4 अपॉन 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 1 जा 2, 1 जा एंड 2, 1 जा, क्लियर, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 आ गया।
Hence proved. Okay, तो ये समझ में आ गया कि हम ये कैसे कर रहे हैं. अभी तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया, अब क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, सी अपॉन ए. ठीक है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सी कितना था हमारे पास, 1, और ए कितना था हमारे पास, कितना था, 4. क्लियर, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 अपॉन 4 होता है, और ये भी कितना हुआ, 1 अपॉन 4. हैंस दिस इज आल्सो वेरीफाइड. आते हैं थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट को हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, बस मैं इसको बेसिक बता दे रही हूँ. क्या लिखा है, 6x² - 3 - 7x. तो कुछ नहीं, बस इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है. तो 6x² - 7x - 3, उसी को बस इसको आगे कर दिया है और इसको पीछे कर दिया है. अब ये बन गया ax² + bx + c के फॉर्म में. अब पहले वाले दोनों के जैसे ही करना है इसे. क्लियर है, आई होप आप लोग कर लेंगे. अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, 4u² + 8u. अब ये तो दिक्कत हो गया है यार, यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे करें. तो हम डायरेक्टली इसमें से क्या करते हैं, कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से कॉमन. 4u कॉमन निकल गया, 4μ, तो यहाँ क्या बचा, μ + 2 बच गया. क्लियर है, अब इसको इक्वेट कर दो जीरो से. अब अगर हम 4μ = 0 करेंगे तो μ = 0 ही आ जाएगा. तो पहला अल्फा क्या मिल गया हमको, 0, और μ + 2 = 0 किए तो म्यू कितना मिल गया हमको, -2. तो हमको अल्फा कितना मिल गया, अल्फा मिल गया हमको 0, और बीटा मिल गया -2. क्लियर, अब जल्दी से पुट करते हैं हमारे वेरिफिकेशन वाले में. α + β = -b/a. ए बी सी तो हम लिखे ही नहीं है, चलो जल्दी से लिखते हैं ए बी सी. ए कितना है यहाँ पे, a = 4, b = 8, और c कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा. ओके, तो चलो पुट करना स्टार्ट करें. अब अल्फा कितना है, 0, बीटा इज -2 इक्वल्स टू, ये तो -2 आ गया. ठीक है, अब -b मतलब क्या होगा, -8, और a कितना है, 4, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आ गया, -2. दोनों साइड इक्वल हो गए, एंड LHS इक्वल्स टू RHS. अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0. ओके, अब क्या होगा, सी अपॉन ए, कोएफिशिएंट्स भी तो देखना पड़ेगा. अब सी क्या है, 0, 0 अपॉन 4. 0 से अगर कोई भी चीज डिवाइड होगी तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, 0. हैंस यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड. क्लियर, तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा, फोर्थ वाला भी. फिफ्थ भी देख लें क्या, जल्दी से इसी में देख लेते हैं फिफ्थ. ओके चलो फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ क्या दिया है, t² - 15 दिया हुआ है. अब तो इसमें b वाला पार्ट नहीं है यार, इसको भी फिर 0 ही कर लो इक्वल्स टू. अब t का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, t² = इसको इस तरफ ले गए तो ये क्या हो गया, +15 हो गया. अब अगर हम कभी भी स्क्वायर खोलते हैं तो दूसरे साइड में क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट, और अंडर रूट का आंसर हमेशा प्लस और माइनस में चढ़ता है. तो t = स्क्वायर था, स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा अगले तरफ, दिस प्लस में और माइनस में. ठीक है, तो एक t क्या मिला हमको, +√15, और दूसरा क्या मिला, -√15. क्लियर है, मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया. अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा देखें तो क्या आया, 15 प्लस ऑफ -√15. कोई डाउट, तो क्या होगा, +15√, और ये हो जाएगा -√15. प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब आपस में ही माइनस हो गया तो 0 हो गया. अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया. अब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू इज 1, बी की वैल्यू इज 0, और सी की वैल्यू कितनी है, -15. क्लियर, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, -b/a. -b कितना हो गया, -0/1, दैट इज इक्वल टू 0, आ गया 0. अब हम देखें अगर अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा कितना है हमारे पास, जल्दी से बताओ, √15 पॉजिटिव वाला, और बीटा कितना है हमारे पास, -√15. ठीक है, माइनस बाहर है, माइनस को बाहर रख लो और 15 × √15 कर लो, 15 × √15 कर लिए, तो कितना हो गया ये, -15 अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया. अब अगर मैं c/a करूं इसको, तो c कितना है, -15, और a कितना है, 1 इक्वल्स टू -15. Hence proof, this is equals to this is,
तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है. ओके तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बस इतना ही करते हैं, ऑलमोस्ट सारी कर लिए, चार पार्ट कर लिए हमने इसके. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, देखते हैं क्या बोल रहा है ये. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसा सीक्वेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंगली. मतलब पहले सम दिया है तो ये सम होगा 1/4, प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट क्या होगा -1. तो जल्दी से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं. पहले मैं आपको इसको बेसिक वे में बताती हूँ, उसके बाद एक ट्रिकी वे भी बताऊंगी. ओके तो पूरा देखते रहिएगा. ओके चलिए, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है. अब इसमें दिया हुआ कितना है 1/4 और इसमें कितना दिया है -1. -1 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम 1 लिख ही सकते हैं. ओके चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. ये -b, इसके अकॉर्डिंगली हमको a मिल गया 4 फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली, और b मिल गया -1. ओके लेकिन जब सेकेंड वाले को हम देखें तो सी मिला -1 और ए मिल गया 1. ए की दो दो वैल्यू 4 और 1 कैसे. चलो ये फाइंड आउट करते हैं अब कैसे करें. अब इसको हमें मिला है -1/1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, क्लियर है. लेकिन हमको पता है कि ए की हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है. जो बड़ी वैल्यू है हम उसको कैरी करेंगे, कितना आ रहा है 4. तो हम ए को 4 बनाने की कोशिश करेंगे. अब a को 4 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई बाय a तो करना ही पड़ेगा. यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 में, अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो भाई ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये क्या बन गया हमारे पास -4/4. अब मिल गया हमको a इक्वल्स टू 4 यहाँ से भी, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -4 मिल गया. तो अब इक्वेशन में रख के देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. अब इक्वेशन में रख लिया हमने तो क्या मिला हमको 4x² - x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, -4. ये हमारा आंसर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं इसका ट्रिकी वे भी बताऊंगी, तो ट्रिकी वे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, और वो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू x² - in the bracket sum of zeros, समझ जाओ यार, plus into x तो रहेगा ही. quadratic equation पता है ना, x² x फिर constant, तो x² x plus product of zeros. okay तो same question को इस पे put करके देखें. चलो put करके देखते हैं. x² okay sum of zeros कितना था, 1/4 है कि क्या है sum of zeros. sum of zeros था 1/4 और product of zero है -1. 1/4 x plus product of zeros -1. okay तो x² - x/4 लिख सकते हैं -1. ये अभी complete नहीं हुआ है हमारा equation. क्यों नहीं हुआ है, हमको अब क्या करना पड़ेगा, ये तो upon में है तो हम इसको इक्वेट तो कर सकते हैं इक्वल्स टू जीरो, लेकिन हम करेंगे कैसे. अब इसको तो इक्वेशन में ही रखना पड़ेगा, हम करेंगे एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने के बाद ये क्या आएगा, 4x² - x - 4 इक्वल्स टू जीरो. अब ये सबका अपॉन में है तो इसको इधर शिफ्ट कर दे तो जीरो हो गया, तो क्या मिल गया 4x² - x - 4 इक्वल्स टू जीरो. ये हमको इक्वेशन मिल गया. अब देखो जो आंसर है हमारा ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, तो बस ये पुट करो, इसे लर्न कर लो, पुट करो और फिर आंसर ले आओ अपने. वैसे ही अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी देखें तो √2 और 1/3, √2 is sum and 1/3 is product. चलो अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं. मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिला है √2 और अल्फा बीटा कितना मिला हमको 1/3, क्लियर. तो अब हम इक्वेशन में रख लें डायरेक्टली x² - sum of zeros क्या है हमारे पास √2 x + 1/3. लेकिन ये ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन फ्रैक्शन में. तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें इस पूरे इक्वेशन को 3 से. 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x² - √2x +
3 अपॉन 3, तो 1 जा एंड 1 जा कैंसिल आउट हो गया. तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर. चलिए अब एक काम करते हैं, हम कौन सा पार्ट ले लें, फिफ्थ वाला पार्ट ले लें, फिफ्थ पार्ट लेते हैं. देखिए जो मैं फॉर्मूला आपको बताई वो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, इसलिए कोशिश करिएगा कि जो बेसिक तरीका है उसी से कर रहे हैं. ओके, कंपेयरिंग वाले से, रेशियोज वाले से. तो चलो ये वाला हम उसी के तरीके से करते हैं. सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कितना दिया है, माइनस 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 1/4. ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से क्या मिला, c अपॉन ए. तो a की वैल्यू कितनी मिल गई दोनों जगह से, 4, तो वैलिड है 4. ठीक है, b की अगर चेंज होती तो हमको चेंज करने की दिक्कत होती, जो कि फर्स्ट वाले में किए थे हमने. ठीक है, तो अब b की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पुट कर दो, 4x square plus x plus 1. This is your answer. Okay. वैसे ही अगर हम दूसरा एक और कोई सा ट्राई कर लें, 0√5 कर लेते हैं अब ये थर्ड वाला पार्ट. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हमको कितना मिल गया, 0, मतलब माइनस बी अपॉन ए हमको 0 मिल गया. कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, क्लियर. तो अब अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया हमको, √5, मतलब क्या होता है, सी अपॉन ए. क्लियर है, ए कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, 1. ओके, तो अब हमको क्या दिख रहा है कि बी की वैल्यू यहाँ से कितने मिल रहा है, 0, ए की वैल्यू दोनों में कॉमन है 1, और सी की वैल्यू कितनी है, √5. बस करना क्या है, पुट कर दो इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ए कितना है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस बी कुछ नहीं है, तो 0, 0 भी लिखने, 0 अभी भर के लिए लिख लेते हैं, 0 वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है. और सी कितना है, √5. तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज योर. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे.